अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं जुनेद अली। मैं हूं आयशा जुल्फकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। मेमो कमीशन का इजलास आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है। वकला वीडियो लिंक के जरिए मंसूर एजाज से गिरफ्तार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाप्त करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट इलेक्शन कल होगा, असेंबली में पोलिंग स्टेशन कायम। खैबर पख्तूनख्वा में नवाज लीग और साफ लीग का इत्तेहाद। पंजाब में इख्तलाफ। अपर औरंगजेब में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 22 दहशतगर्द हलाक, 28 जख्मी हो गए, 4 ठिकाने तबाह। खैरपुर में चेक पोस्ट पर तैनात अहलकार की फायरिंग से साथी अहलकार समेत 2 अपराध हलाक। मुलजिम ने बाद में खुदकुशी कर ली। शकील आफरीदी की हिरासत बिला जवाज है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। हिलरी क्लिंटन की धमकी। पेट्रोल में 2.75 रुपए और लाई डीजल 3.08 रुपए प्रति लीटर महंगा। सीएनजी और एलपीजी की कीमत भी बढ़ गई। लाहौर हाईकोर्ट ने रिहायशी इलाकों में तरबियती तैयारों की परवाजों के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। सूबाई और विफाकी हुकूमत से 15 मार्च को जवाब तलब। अमरीकी फौज के लिए कोई मिशन खतरनाक नहीं। इराक में दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी। अमरीकी सदर ओबामा और नायब सदर जो बाइडेन का इराक से वापस आने पर फौजियों से खिताब। शाम की हुकूमत शहरियों का कत्लेआम बंद करे, मसले का पुरअमन हल तलाश किया जाए। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बैन की मून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पेरिस फैशन वीक में रंगो हुसन के जलवे, मॉडल्स के नित नए मलबूसात में इवेंट पर कैटवॉक।